भारतीय इतिहास में कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया को अपनी महानता का परिचय दिलाया है। उनमें से एक महान नाम है शिवाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य के स्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम शिवाजी शाहजी राजे भोसले था। उनका बचपन से ही स्वतंत्र राष्ट्र बनने का सपना था। शिवाजी ने हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा दिया था और अपने जीवन में हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, एक महान वीर योद्धा, राजनीतिक रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के निर्माता और हिंदुओं को एक करने वाला, इन सब की कहानी से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरी देखने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोग वीडियो को पहले लाइक करो और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे महाराष्ट्र में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाह के दरबार में काम करते थे और उनकी माता पुणे में रहती थी, इसलिए शिवाजी अपने पिता से दूर रहे और अपनी माता जीजाबाई के साथ रहे। उनकी माता जीजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न साधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी राजे भोसले के साथ ही रहे थे। शिवाजी का अपनी माँ से बहुत प्रेम था, इसी वजह से वे उनके बहुत ही करीब थे। शिवाजी के दादा कोंडदेव ने अपनी बचपन की देखभाल की। शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक कोंडदेव ने महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया और साथ ही युद्ध नीति भी सिखाई। शिवाजी पुणे जिले के जुन्नर गांव के शिवनेर किले में पैदा हुए थे और उनकी माता ने शिवाजी का नाम भगवान शिवाई पर रखा था, जिन्हें वह बहुत मानती थी। शिवाजी अपनी माँ के बहुत करीब थे और उनकी माता बहुत धार्मिक थी, जिसका प्रभाव शिवाजी पर भी पड़ा। जबकि शिवाजी ने रामायण और महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ा था और बहुत कुछ सीखा भी था, जो उन्होंने अपने जीवन में लागू भी किया था। शिवाजी के पिता दूसरी शादी करके कर्नाटक चले गए और अपने बेटे शिवाजी और पत्नी जीजाबाई को किले की देखरेख करने वाले दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। जबकि गोइलोत यात्रा और स्वराज की शपथ छत्रपति महाराज शिवाजी ने अपने स्वराज्य को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ना है उनकी यात्रा का उद्देश्य था। 16 वर्षीय शिवाजी ने 1645 में मुगल सेनापति अफजल खान के साथ तोरणा हस्तिल में रहकर सैन्य और राजनीतिक प्राप्त की और इस बैठक में शिवाजी ने स्वराज बनाने की इच्छा व्यक्त की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। शिवाजी ने स्वराज्य की दिशा में पहला कदम उठाया जब उन्होंने गोइलोत की यात्रा की, जो उनकी साहस और दृढ़ता को दिखाती थी। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध लड़ा और उन्होंने तोरणा किले में हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी जीत का झंडा फहराया। छत्रपति शिवाजी ने 1674 में खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासित घोषित किया। रायगढ़ के किले में उनको राजा का ताज पहनाया गया। यह राज्य पेशिक सुल्तान के लिए एक चुनौती बन गया। जबकि शिवाजी के पिता उस समय बीजापुर के सुल्तान के अधीन बीजापुर के जनरल थे। बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह एक अन्यायपूर्ण और क्रूर शासक था, जिसने अपने देश में अन्याय फैला रखा था। शिवाजी को सैनिकों और राजकुमारों की क्रूरता पसंद नहीं आई। शिवाजी का एक बार अपने पिता के साथ बीजापुर गए थे, जबकि वहाँ बाजार में एक कसाई को गाय को पीटते हुए उसे बुचड़ खाने में काटने के लिए ले जाते हुए देखा। जबकि शिवाजी ने कभी ऐसा दुखी दृश्य नहीं देखा था, जबकि गाय को मुक्त करने के लिए उन्होंने रस्सी को अपनी तलवार से काट दिया था। जबकि उसके बाद आदिल शाह के सैनिक किसानों के द्वारा कर न देने पर उन्हें बहुत भयंकर पीड़ा देते थे और उन्हें जेल में डाल देते थे। जबकि शिवाजी को इस बात का पता चलने के बाद इसका विरोध किया और उन्होंने सैन्य अभियान शुरू किया। उसके बाद जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्ग पर अधिकार करने की नीति अपनाई, जो कि सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की बात करें तो उनकी सेना बहुत बड़ी थी और अपनी सेना को एक पिता की तरह देखते थे। जबकि शिवाजी ने अपनी सेना में सक्षम लोगों को ही अपनी सेना में शामिल किया था, जिनके पास इतनी समझ थी कि वे एक बड़ी सेना को अच्छे से चला सकते थे और वे अपने पूरी सेना को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करते थे। शिवाजी के एक संकेत से वो सब कुछ समझ जाते थे। जबकि उस समय अलग अलग टैक्स वसूले जाते थे, लेकिन शिवाजी एक दयालु राजा थे और किसी से टैक्स नहीं लेते थे। वे बच्चों, ब्राह्मणों और औरतों के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत सी परंपराओं को समाप्त कर दिया। जब मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और उनसे इस्लाम धर्म अपनाने को कहा तो शिवाजी मसीहा बनकर आए और शिवाजी ने एक मजबूत नेवी बनाई, जो समुद्र में भी तैनात रहती थी और दुश्मनों से बचती थी। जबकि मुगलों से पहले मुठभेड़ शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे और उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में
में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इसी स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, जो कि शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की वजह उस पर तावा बोल दिया और उनकी सेना ने जौनूर नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 कोड़े लूट लिए और अहमदनगर से 700 कोड़े चार हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिड के दुर्ग भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई, जबकि शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। इसके बाद एक सेनापति अफजल खान ने शिवाजी के खिलाफ जाना चाहा। उसने घोड़े से नीचे उतरे बिना शिवाजी को कैद करके ले आएंगे ऐसा कहा था। जब वह जानता था कि शिवाजी के साथ अकेले युद्ध करके जीत नहीं मिलेगी तो अफजल खान ने अपने एक सैनिक को शिवाजी से मिलने के लिए भेजा और कहा कि शिवाजी और अफजल खान एक दूसरे से मिलेंगे और सौदा करेंगे। जबकि शिवाजी को अफजल खान के इसी चालाक्य का पता चला और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने लोहे का कवच बनाया और उन्होंने निर्धारित दिन पर अफजल खान से मुलाकात की। शिवाजी अफजल खान से बहुत लंबा चौड़ा था और शिवाजी ने दाएं हाथ में बिछवा नाम की तेज कटारी रखी थी और बाएं हाथ में भग नखे थे कि अफजल खान ने उन्हें कटार से मारने की कोशिश की जब उन्होंने गले लगाया था। तभी शिवाजी ने अफजल खान के पेट में अपने भग नखे से घुसाकर उनकी किडनी निकाल दी और उसे मार डाला। अफजल खान के सैनिकों ने यह खबर सुनते ही विद्रोह कर दिया, जबकि शिवाजी के सैनिक पहाड़ियों में छिपे हुए थे, जिससे अफजल खान के सैनिक को पता चलने के बाद वो भाग गए। और उसके बाद औरंगजेब ने फिर से शिवाजी के खिलाफ मिर्जा, राजा जयसिंह और दिलीर सिंह को खड़ा किया, जबकि जयसिंह ने उन सभी किलों को जीता और शिवाजी को हराया। और हार के बाद शिवाजी को मुगलों के साथ सौदा करना पड़ा। 11 से 22 जून 1665 को महाराज शिवजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई, जिन्हें पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को मई 1667 में अपमानित किया। उन्हें वह मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया था। मनसबदार जसवंत सिंह उनके सामने खड़ा था। शिवाजी के सैनिकों ने जसवंत सिंह को युद्ध में भगाया दिया था। शिवाजी ने कहा कि मेरे सैनिक जसवंत सिंह की पीठ देखते थे और उसके पीछे खड़ा होना मुझे दुखी करता है। और उसी वक्त मुगल दरबार में सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी ने दरबार छोड़कर मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के यहाँ आ गए। और उसके बाद शिवाजी को जयपुर भवन में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मार डालने का फैसला किया। उसी कठिन समय में भी शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया और उन्हें मार डालने का फैसला किया। इसी कठिन समय में शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया और नए उपायों की खोज करने लगे ताकि जल्द से जल्द वहां से बच सके। और शिवाजी ने जेल में भी बीमार होने का नाटक किया, जिससे उनके लिए हमेशा फल आने लगे। द्वार पर पहले फलों की टोकरी को बार बार देखते थे, लेकिन बाद में वे लापरवाह हो गए। इसका लाभ उठाकर शिवाजी ने उन टोकरियों में बैठकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से निकल गए। शिवाजी का स्वास्थ्य इतने दिनों तक जेल में बिगड़ गया था और वह पुणे वापस आ गए। पुणे में जसवंत सिंह को नया सूबेदार नियुक्त किया गया, जबकि जसवंत सिंह शिवाजी के प्रति भावुक था। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वे युद्ध विराम चाहते थे। 1667 में मराठों और मुगलों ने एक समझौता किया। इस समझौते का मध्य जसवंत सिंह ने किया था और औरंगजेब ने शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा माना और उन्हें राजा का दर्जा दिया। तो औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ कभी नहीं रुका। संधि के बाद भी उसने शिवाजी के खिलाफ हमेशा कुछ तैयार रखा, इसलिए शिवाजी ने वापस संधि के नियमों को तोड़ते हुए खोए हुए सभी किलों पर अधिकार कर लिया। शिवाजी एक हिंदू शासक थे जो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। वे किसी भी धर्म के लोगों से कभी भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने हर हिंदू को उतना ही महत्व दिया जितना कि हर मुसलमान को। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमानों सैनिक थे। उन्होंने अपनी सभी संता को धर्म मानने और पूजा पाठ या नमाज पढ़ने की पूरी आजादी दी गई। शिवाजी ने मुस्लिम पीरों फकीरों को दान दिया और धन भी दिया। उनके सैनिक भी प्रशिक्षित हुए थे। माना जाता है कि अगर उनके किसी सैनिक को युद्ध स्थल पर कुरान मिल जाती तो वह अपने मुस्लिम भाई को दे देते थे। शिवाजी महाराज ने हर व्यक्ति को प्राथमिकता दी। वे कभी भी किसी महिला को अपमानित या दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जबकि बीजापुर के मुल्ला ने अपने सुंदर पुत्रवधू शिवाजी को भेंट की जब उसके पति का देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने उस महिला को वापस भेजा। युद्ध जीतने के बाद शिवाजी के सैनिक एक स्त्री को उठा लाए थे। तभी शिवाजी ने सैनिकों को पूछा कि आप ये क्या लाए हैं और सैनिकों ने कहा कि यह एक सुंदर उपहार है। तो शिवाजी ने ऐसा कहा उपहार था तो पता लगाने की कोशिश की और वे पेटी को खुलवाने के लिए कहा। जब पेटी खोली गई तो देखा कि इसमें एक स्त्री है और ये देखकर तो शिवाजी क्रोधित हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। और तभी शिवाजी ने कहा, हे माता, मेरे सैनिकों ने गलती की। उन्होंने उस महिला के पैर पकड़ कर कहा, हमें क्षमा कीजिए, आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे। और तभी शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी ने भी किसी महिला को अपमानित किया या उसे गलत नजरों से देखा तो उसका गला वही काट दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को बनाया और उसे बड़ा बनाया। विभिन्न वर्गों को एकजुट करके वे न्याय को समाज में प्राथमिकता दी। वे सैन्य, नौसेना और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ की मांग को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई। अपने शासन में न्याय, समरसता और विकास के लिए कई सुधार किए, जिसमें समाज विकसित
विकसित हुआ। शिवाजी का अंतिम दिन चिंता में बीता। शिवाजी बहुत दुखी हुए कि उनका छोटा पुत्र संभाजी अज्ञानतावश मुगलों के साथ जा रहा था, साथ ही उनकी पत्नी सुहराय बाई ने अपने पुत्र राजा राम को अपनी जगह देने का प्लान बनाया था। जबकि संभाजी योग्य व्यक्ति थे, शिवाजी की तरह वीरोचित और गुणी थे, इसलिए वे चाहते थे कि वह उत्तराधिकारी बने और मराठा साम्राज्य को संभाले। छत्रपति शिवाजी महाराज को खाने में किसी ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को संभाला। शिवाजी बहुत बड़े हिंदू रक्षा करता थे और शिवाजी ने हिंदू धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, उसे निभाया। अगर वे नहीं होते तो आज हमारे देश में हिंदू ज्यादा बचते नहीं। हर जगह पूरे देश पर मुगल पूरी तरह से शासन करता था। यही कारण है कि मराठे शिवाजी को हिंदू भगवान मानते थे। और दोस्तों हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। और छत्रपति शिवाजी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।